फिरोजाबाद चुनावी रंजिश को लेकर जमकर फायरिंग, दो पक्षों में आमने सामने से फायरिंग, पथराव, मारपीट से गांव में मचा हड़कंप, दर्जनों राउंड फायरिंग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पथराव एवं फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त, दबंगों में नहीं है पुलिस का खौफ। फायरिंग का लाइव वीडियो पर अवैध इस्लाम से फायरिंग करते हुए वीडियो में दोनों तरफ से जमकर की जा रही है फायरिंग। थाना शिकोहाबाद से जलाल के घर का मामला, फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। राजेश जी, क्या घटना हुई है गांव में? ये हुआ था पहले प्रधानी का चुनाव जी, उसमें रंजित तंती है ना, तो अभी क्या हुआ प्रधान? अभी तो वो एक लड़का आया था जी, उससे मारपीट हुई थी जी, और मारपीट दूसरे घर में घुस गया, उसके घर में मतलब जबरदस्ती कैसे तुम मारोगे? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाम करने पे वो उस पर हमला कर दिया। अच्छा, जो बता रहे फायरिंग हुई है? हाँ, फायरिंग हुई है, एक नहीं हुई है, कम से कम 20-25 फायर हुई है। 20-25 राउंड गोलियाँ चली? हाँ, उधर से ही हुई है, जालंग तो कोई मतलब ही नहीं था, बाद में आए ना। कोई था ही नहीं, कोई आदमी नहीं था। सतीश जी, क्या घटना हुई है? घटना सर ये हुई थी, जब मैं अपने मकान पे बैठा हुआ था तो अचानक मुझे गोली का फायर आवाज हुई, तो ये एक लड़का है जो नरेंद्र गांव का, वो आगे भाग रहा था, पीछे से मुल्तान और इसके लड़के रवि तमंचा लेकर उसके रेंद रहे थे, तो वो अकस्मात आके मेरे घर में घुस गया। तो मैंने मना किया, भाई मेरे घर में मत घुस गया, तो मेरे घर में मत मार। वो लोग नहीं माने, उन्होंने ईंट अड्डे अरोड़ा सारे फेंके, और फिर भैया मैं तो अलग हो गया अपने बगल से। कितने फायर हुए? कम से कम 10 फायर।